What is up guys? तो आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां आज हम डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ कंटेंट इज बेस्ट, मूवीज और सीरीज। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं, एंड दोनों ही मूवीज एंड सीरीज के अपने ही प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एंड इसलिए इस बात को गहराई से और ढंग से एक्सप्लोर करने के लिए आज मेरे साथ हैं टाइटन क्रश। एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो आप टाइटन का भी चैनल चेकआउट कर सकते हो। तो सीधा बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मूवीज एंड सीरीज। जहां मूवीज को आप चकदे इंडिया के वो 90 मिनट समझ सकते हो, मतलब जो है यही है। अब मैं सब डाल दूं, मतलब ये टाइम इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। बट ऑब्वियसली गलतियां तो होंगी ही, बट चीजों को इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए उन कुछ मिनटों का इस्तेमाल करना ही डायरेक्टर्स एंड क्रिएटिव टीम की जीनियस्टिक अप्रोच को दिखाता है। बट जब हम बात करें सीरीज की, तो यही 90 मिनट पर एपिसोड में बदल जाते हैं, जिसके भी 8-9 एपिसोड तो हो ही जाते हैं, एंड कई बार तो इससे भी ज्यादा। मतलब क्रिएटर्स के पास बहुत सारा टाइम होता है अपने थॉट्स, अपने इमोशंस एंड अपनी कहानी को लोगों के दिमाग में इंजेक्ट करने के लिए। एंड कई बार तो ये सीरीज इस टाइम का काफी अच्छे से इस्तेमाल करती है, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट में, वर्ल्ड बिल्डिंग में और बहुत सारी चीजों में। बट कई बार यही ज्यादा टाइम कई बार कहानी को बहुत ज्यादा लेजी बना देती है। मतलब लिटरली कई बार मैंने अच्छी अच्छी सीरीज के कई एपिसोड्स बोर होते हुए बिताए। इट जस्ट बिकॉज कि एक पैटर्न को शो करने के लिए उन्हें 8 या 9 एपिसोड्स बनाने पड़ते हैं, एंड उतनी की वो कहानी होती नहीं। तो हाँ, ज्यादा टाइम होना एक वरदान तो है ही, उसके साथ साथ एक अभिशाप भी है। वैसे टाइटन, तेरा क्या कहना है इसके बारे में? तो जैसा कि फ्लिक भाई ने कहा, सीरीज के पास मूवी से चीजों को डिलीवर और एक्सप्रेस करने का ज्यादा वक्त होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आता है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग। मैं जानता हूँ ये कोई सीरीज नहीं है, पर इसकी लेंथ इसे मूवी भी नहीं बनाती। हमने वेडन की जस्टिस लीग को जितना नकारा था, हमने स्नाइडर कट को उतना ही सराहा है। ये चीज का काफी सही एग्जांपल है कि मूवी की लेंथ कभी उसके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होती। अगर आपके पास अच्छी डायरेक्शन है तो आप मूवी के एक एक फ्रेम को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो बात होगी ऑडियंस को स्टूडियोज क्या देता है, बट अब बात करते हैं स्टूडियोज का एक्चुअल विजन होता क्या है सीरीज एंड मूवीज को लेकर। तो नो डाउट दुनिया एक बिजनेस है, एंड जो इस बात को जितना जल्दी समझ सकता है उसके लिए उतना अच्छा है। बट स्टूडियोज के विजन को समझने के लिए आपको मूवीज एंड सीरीज के बिजनेस को समझना पड़ेगा। जहां मूवीज की बात करें तो मूवीज की रीच शॉर्ट टाइम के लिए काफी ज्यादा होती है, एंड इसलिए न सिर्फ टिकट्स बल्कि इंडोर्समेंट्स को लेकर भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, एंड नहीं कुछ रहा तो एटलीस्ट राइट्स तो बिक ही जाते हैं। वहीं सीरीज की बात करें तो उनका बिजनेस मूवीज के कंपैरेटिवली बहुत अलग होता है। आपने एक बात जरूर नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द सीरीज में कभी भी आप ए ग्रेड एक्टर्स को नहीं देखोगे, क्योंकि वो एक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि सीरीज इम्पैक्टफुल बिजनेस बनाने के लिए काफी लंबा टाइम लेती है, इसलिए स्टूडियोज ज्यादा पैसा किसी ऐसी चीज पर नहीं लगाना चाहते जिसका रिटर्न्स आने में काफी टाइम लग जाए। एंड इन्हीं चीजों से तंग आकर नेटफ्लिक्स ने भी अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि दिन रोज की भाई उनका एक बार बनाया कंटेंट सिर्फ आज के लोग नहीं देखेंगे, हो सकता है वो 20 साल बाद भी वो लोग ये शोज देखें। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न्स की चिंता किए बिना। बट सारे मूवी स्टूडियोज इतनी दूर की नहीं सोचते, बट नेटफ्लिक्स ने अपने बहुत सारे गेम चेंजर्स सीरीज के साथ सीरीज के बिजनेस को काफी मेनस्ट्रीम कर दिया है, जहां पे वो एक सीरीज पे हेनरी कैवल जैसे सुपरस्टार्स को लेकर आया है। जहां नेटफ्लिक्स ने दुनिया को दिखाया कि अच्छी कास्ट के साथ भी अच्छा बजट लगाकर एंड इससे काफी अच्छा बिजनेस भी किया जा सकता है। बट ऑब्वियसली हर सीरीज की किस्मत विचर, स्ट्रेंजर थिंग्स, स्क्विड गेम्स या फिर दी बॉयज जैसी नहीं होती। ऑब्वियसली यहाँ भी बहुत सारे स्कोप हैं बिजनेस करने के, बट काफी ज्यादा नहीं, क्योंकि कंपनीज भी लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज्यादा नहीं सोचती। एंड यही रीजन है कि कंपनीज मेजरली मूवीज की तरफ जाती है, बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि भाई सबको क्विक मनी चाहिए। एंड यही रीजन है कि मूवीज अपनी रिलेटेबिलिटी इतनी आसानी से नहीं खोने वाली। बट एज वी नो कि भाई मूवीज भी अपने ड्रॉबैक्स अपने साथ लाती है, जिसके बारे में टाइटन आपको बताएगा। तो जैसे कि हमारे भाई ने कहा, स्टूडियोज को नो डाउट ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना होता है, जिस वजह से वो मास एंटरटेनर बनने के चक्कर में काफी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। हम हमारी सबसे बड़ी मास एंटरटेनर की बात करें तो आधा वास्ट ऑडियंस तक पहुंचने के चक्कर में काफी लोगों को एक परफेक्ट बिल्डअप नहीं दे पाती। मैं इनके काफी सीन्स पे रोना चाहता था, पर इनकी स्क्रिप्ट मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देती। अंदर कैरेक्टर जो फील करते हैं वो हम नहीं कर पाते, सब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। इसी के सामने हमें 2019 में आई सीरीज स्पेशल ऑप्स एक सेंसेबल डीप वेल थॉट स्टोरी का परफेक्ट एग्जांपल है। हमें हर एक कैरेक्टर की स्ट्रगल, एंड आई मीन हर एक कैरेक्टर की, बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि अगर कोई यहाँ है तो वो यहाँ क्यों है, कैसे है और क्यों ये जरूरी है। पर ऐसी चीजों को ऑडियंस तक पहुंचने में काफी देर लगती है, तो कोई भी स्टूडियो अपने पैसे, अपना वक्त और अपनी मेहनत ऐसी जगह पर नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि एट द एंड प्रॉफिट ही मैटर करता है। और आधा ने अपने रिलीज से पहले ही अपने राइट्स बेच के अपने बजट से ज्यादा पैसे कमा लिए थे।
तो अब बात करते हैं मूवीज एंड सीरीज के वर्किंग मॉडल के बारे में। या ओवर द टाइम ओटीटीज ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है, जहां बहुत सारी कंपनीज ओटीटीज का इस्तेमाल अपने तरीके से कर रही है, जहां नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न अपने मेन एसेट्स के साथ दुनिया के सामने आई है, जहां वो अपना ओरिजिनल कंटेंट तो बनाते ही हैं, जिसके अलावा भी वो बाकी सीरीज एंड मूवीज के राइट्स लेकर अपनी लाइब्रेरी को हेल्दी बना रहे हैं। डिज्नी के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म सिर्फ एक मार्केटिंग टूल है, जहां डिज्नी को अपनी किसी भी चीज पे डाउट होता है तो उसको वो एक सीरीज के तौर पे ले आता है। एग्जांपल के लिए मून नाइट, शी हल्क और बहुत सारे शोज हैं। एंड ये तरीका उनके लिए काफी ज्यादा काम भी करता है, जहां वो एक स्टार कास्ट को लेकर नॉट सो हाई एफर्ट्स के साथ, मतलब आप देख सकते हो कि डिज्नी की सीरीज के VFX उनकी मूवीज के कंपैरेटिवली कितने लो होते हैं। तो ऐसे डिज्नी अपनी एक लेबोरेटरी चलाता है हॉटस्टार डिज्नी पे, जिसके अलावा भी वो बाकी राइट्स लेता है और अपनी लाइब्रेरी को हेल्दी बनाता है। एंड आई थिंक मार्वल एंड IPL की वजह से डिज्नी इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट होल्ड करता है। बट क्योंकि डिज्नी ने अपने सिस्टमैटिक फनल को काफी अच्छे स्ट्रक्चर्ड में बनाया है, इसलिए उन्हें कभी भी किसी सीरीज को बनाने में नुकसान नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न को अपनी सीरीज के लिए कई बार नुकसान होता है। बट क्योंकि आजकल बहुत से प्रोडक्शन हाउस मूवीज के लेवल की सीरीज बना रहे हैं, मतलब हर एपिसोड में आपको एक प्रॉपर मूवी के लेवल का एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस और बजट देखने को मिलेगा। ये क्रिएटिविटी के नजरिए से तो काफी अच्छा है, बट प्रॉफिट के नजरिए से काफी ज्यादा डेंजरस, क्योंकि एज ऑब्वियस उनको इतना बड़ा मार्केट नहीं मिलता। तो अगर हम ध्यान से सोचे तो एक मूवी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कहानी जो अभी बस शुरू हुई है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, पर वो 2-3 घंटों का काम है हमें उस कहानी से वाकिफ करना। तो कोई भी कहानी अजनबियों के तरह शुरू होती है और फिर वो हमें अपने बारे में बताती है और एंड आते आते वो हमें कंक्लूजन देती है कि इस सबका आखिर मतलब क्या बनता है। तो जरूरी नहीं हमेशा 2-3 घंटे का वक्त कम पड़े हमें कहानी की शुरुआत, सफर और अंत दिखाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ कहानी पर भी निर्भर करती है कि उसके पास हमें दिखाने के लिए क्या क्या है। हाल ही की बात करें तो मैंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस काफ़ी एंजॉय की थी, पर सब कुछ काफ़ी रश्ड लगता है। पिक्चर काफ़ी कुछ दिखाना चाहती थी, पर लगता है काफ़ी लोगों की कहानी अनसुनी रह गई। उनके पास दिखाने के लिए काफ़ी कुछ था, पर उन्होंने इसे 2 घंटे में खत्म कर दिया। इसके सामने बात करें कुछ दिनों में आने वाली बॉयज़ की, तो वो जानते हैं हमें क्या देखना है और वो दिखाएंगे भी। वो धीरे धीरे हर पढ़ने को पलटेंगे, हमसे अपनी कहानी साझा करेंगे। वो कोई रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। आजकल सारे स्टूडियो समझते हैं कि एक कहानी को सही से दिखाने के लिए उसे एक सीरीज का रूप देना ज़रूरी है, पर बात वहाँ फंसती है जब अच्छी कहानी हमारे नज़रों में आई भी नहीं, कहीं खो जाती है। With all being said, I know यहाँ बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी होगी, but just in case अगर आप उनमें से एक हो तो प्लीज टाइटन क्रश का चैनल चेकआउट जरूर करना ऐसे ही awesome कंटेंट के लिए। एंड हाँ, हमारे Q&A के लिए क्वेश्चंस पूछना शुरू करो यार। तो अगर आपको ऐसी मूवीज, एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यूज एंड ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।